इंतजार कर रहे हैं अंधेरा होने का, तो आज आपको जिंदगी में पहली बार देखने को मिलेगा कि शिमला में लोहड़ी कैसे मनाई जाती है, क्योंकि पंजाब की लोहड़ी तो वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है कैसे धूमधाम से मनाते हैं। तो हम शिमला दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में, बस 5 मिनट और, उसके बाद दिखाते हैं आपको। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और बाहर निकली है धूप। पहले मैं आपको मौसम दिखाती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी यमी यमी गाजर का हलवा। ये है आज का मौसम। तो मौसम आपने देख लिया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सामने वाला व्यू वैसे भी बहुत ही प्यारा है। तो आप सबको और सब पंजाबियों को मेरी तरफ से हैप्पी लोहड़ी। आज लोहड़ी है, अच्छे से मनाइए, खुश रहिए। और शिमला की लोहड़ी कैसे मनाई जाती है मैं आपको शाम को दिखाऊंगी। आपने पंजाब की लोहड़ी देखी होगी क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है, लेकिन शिमला की लोहड़ी मैं आपको दिखाऊंगी, और वो दिखाई जाएगी आपको शाम को यहीं पर इसी जगह पर कि हम शिमला में लोहड़ी कैसे मनाते हैं। चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, क्योंकि मैंने ब्रश कर लिया, दवाई खा ली और अभी मैंने पीनी है अपनी चाय। मेरी चाय बन चुकी है और गाजर का हलवा जो कि मैंने तैयार कर लिया था रात को, उसकी मैं शक्ल आपको दिखा देती हूँ। गाजर का हलवा जो मैंने पका के रख दिया है, उसको मैं तड़का लगा के ड्राई फ्रूट्स डाल के फिर खिलाती हूँ। मतलब मैंने पका के रख दिया है, उसको तड़का लगता है, उसके बाद वो यूज़ होता है। बनाती हूँ, वैसे तो मैं 2-3 तरीके से बना लेती हूँ गाजर का हलवा, बट ये जो बनाया है ये थोड़ा स्पेशल तरीके का है और मैं बताऊँगी मैंने कैसे बनाया। ज़रा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं पी लेती हूँ अपनी चाय और एडिटिंग बाकी है। 2 या 3 वीडियो अभी पेंडिंग है, उनकी एडिटिंग कर लेती हूँ। पता नहीं लेवल पे कब आऊँगी मैं, बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद हम लेवल पे आ जाएंगे। सिर्फ 3 या 4 वीडियो बचे हुए हैं, वो आप देख लेंगे। उसके बाद हम रोज़ फ्रेश व्लॉग बनाएंगे इस चैनल पर भी और उस चैनल पर भी। चलिए, और एक मेन चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जो कि है पानी की। पानी के लिए आज 4th दिन है, पानी नहीं आया। लेकिन आया क्यों नहीं है वो बहुत बड़ी समस्या है। एक्चुअली किसी पाइप में कोई दिक्कत हो गई है कि हमारी तरफ आने वाला पानी रुक गया है, उस पाइप में कुछ अटक गया है, इसीलिए पानी नहीं आया। नहीं तो बर्फ़ पड़ती है तो उसके जैसी धूप लगती है पानी आ जाता है। तो फ़ोन करके इन्होंने पता किया था, तो गड़बड़ कुछ और है, पता नहीं कब तक रहेगी। तो फिलहाल तो हमें पानी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। आपने दूसरे चैनल पर जो वीडियो देखा होगा उसमें दिखाया था मैंने कि पानी की बॉटल्स लाई हूँ मैं, तो अभी और बॉटल्स लानी है। तो जब जाऊँगी लेकर आऊँगी फिर मैं आपको दिखा दूँगी। और ये कुछ एक सामान जो मैंने अभी तक खोला ही नहीं है गल से, इसको बाद में खोलती हूँ। तो ये पानी उबल गया इस बॉटल के लिए, और ये बनाया था मैंने गाजर का हलवा, ऐसे पका के रख लिया है, दूध चीनी में पकाया है ये, और फिर अलग से दिस घी में तड़का लगा और ड्राई फ्रूट डाले, फिर खोया डाला, फिर होता है ये रेडी। अभी फिलहाल मेरी चाय रेडी है, मैं चाय पीती हूँ और अपनी एडिटिंग ख़त्म करके फिर आप लोगों से मिलूँगी। जैसा कि आपको पता है मैं रात को खाना बहुत कम खाती हूँ, तो अभी मेरे को भूख लगी है, तो चाय के साथ एक स्लाइस हो जाए, जो कि मैंने यहाँ पे सेकने के लिए लगा दिया, सीख जाएगा फिर खाते हैं। अभी नहीं हुआ, इसको पलटाओ और ये हो गया। वैसे कई लोग सोच रहे होंगे मैं इसमें चाय क्यों पी रही हूँ, क्योंकि मेरे मग टूट चुके हैं और मैं ला नहीं पाई अभी तक। यमी यमी, मेरा रैक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आधे जार उधर आधे जार इधर, ये सेट करना पड़ेगा। चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, फिर फ्री होके मिलूँगी एडिटिंग के बाद। अभी साग भी बनेगा। तो गाइज, पानी की समस्या वैसे की वैसी है, पानी नहीं आया है। अब पतिदेव गए हैं पानी लेने और मक्की का आटा लेने के लिए। मक्की का आटा इसलिए क्योंकि मैंने साग बनने को रखा है, जैसे ही वो बनेगा उसमें थोड़ा सा आलन डालेंगे, पंजाबी में आलन बोलते हैं, मक्की का आटा थोड़ा सा डालेंगे और उसको घोट देंगे, अच्छे से मैश कर देंगे साग को हाथ से। और अभी साग बनने को रखा है और गाजर का हलवा आपने देख ही लिया था, मैंने आपको दिखा दिया था, बस तड़का लगाना है और तैयार। और अभी फिलहाल हम दोनों बोर हो रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं अंधेरा होने का। तो आज आपको जिंदगी में पहली बार देखने को मिलेगा कि शिमला में लोहड़ी कैसे मनाई जाती है, क्योंकि
पंजाब की लोहड़ी तो वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है कैसे धूमधाम से मनाते हैं, तो हम शिमला में कैसे लोहड़ी मनाते हैं आज आपको देखने को मिलेगा। ये जिंदगी में पहली बार होगा कि किसी इंसान ने शिमला की लोहड़ी का वीडियो आपके साथ शेयर किया हो कि शिमला में लोहड़ी कैसे मनाते हैं। हालांकि किसी ने हिमाचल की लोहड़ी का बताया होगा, लेकिन शिमला की लोहड़ी कैसे मनाई जाती है वो सारा व्यू आपको देखने को मिलेगा अंधेरा होने के बाद। तो हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं लोहड़ी मनाना, और कपड़े देखो मैंने डबल डबल पहन लिए। अभी मैंने एक मफलर भी लेना है, और उससे पहले मैं बता दूं कि साग तकरीबन बन गया है, और उससे पहले मैंने अभी कढ़ाई रख दिया इंडक्शन पे, और उस पर डाल दिया जो पका हुआ गाजर का हलवा है वो डाल दिया देसी घी के साथ। उसको पकाएंगे और सिर्फ काजू डालेंगे और खोया डालेंगे, और वो तैयार करके रख देंगे पहले से डिनर के बाद वो खाने के लिए। अभी फिलहाल साग की तैयारी करते हैं, उसके बाद हम बाहर जाएंगे लकड़ियाँ वगैरह जलाने के लिए, और व्यू दिखाते हैं आपको लोहड़ी का कैसा होता है थोड़ी देर में। जब एक अच्छी चीज़ चाहिए तो टाइम तो लगता है, ठीक है। ये हो गया तैयार, इसको रख देते हैं हम साइड में। और अभी इतना ही नहीं, ये जो पड़ा है जब खाएंगे तब डाल लेंगे इसको। दिस इज रेडी, ओके चलो। हेलो दोस्तों, तो दिव्यांका तैयार होके आ गई है, हम करेंगे पूजा, और पूजा के लिए थाली तैयार है। मेन जो चीज़ है तिल और गुड़, वो मैंने रख लिए यहाँ पर, और पूजा करते हैं और आपको दिखाते हैं कि शिमला में सब लोग कैसे लोहड़ी मनाते हैं, आइए। और ये चीज़ आपके लिए भी सरप्राइज़ है कि शिमला में लोहड़ी कैसे मनाई जाती है, आप भी कई लोग एक्साइटेड होंगे देखने के लिए। तो आज ये पूरा व्लॉग आपने देखना है कि शिमला में लोहड़ी कैसे मनाते हैं लोग। चलिए आपको व्यू भी दिखा देते हैं। तो हम यहाँ आग जलाएंगे, और ये है सामने का व्यू, और इधर वाली साइड का व्यू अभी नहीं दिखाऊंगी। हमारे यहाँ पर जो पड़ोस का है वो मैं आपको तब दिखाऊंगी जब हम लोहड़ी मनाएंगे सब। अरे भाप निकल रही है मुंह से, ठंड बहुत है और पानी की दिक्कत वो अलग। तो यहाँ पर हम आग जला रहे हैं और बस बस आपको 2 मिनट और वेट करना है, उसके बाद मैं आपको यहाँ के धमाके दिखाऊंगी कि यहाँ पर भी क्या लोहड़ी मनाई जाती है। वाह, देखकर हैरान हो जाएंगे आप। वाह, बस 2 मिनट और। तो लोहड़ी की आग में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से होती है असली पूजा, गोबर से, गाय का गोबर। तो अब आ गई धमाके की बारी, बस मैं पूजा कर लूं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि शिमला की लोहड़ी कैसी होती है। पागल लड़की, ध्यान इसका टाइम से लगता है। तो ये देखिए, ये दिखाने के लिए मैं आपको रोक के रखी हुई थी, अभी दिखाती हूँ आपको धमाका सब तरफ कि सब लोग कैसे मनाते हैं यहाँ पर। ये देखिए, इधर देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, और देखो इधर भी नहीं है कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे भी सुनसान, और सामने जगमगाती हुई लाइटें, और इधर भी कोई नहीं है, ना तो बंदा ना बंदे की जात, ठीक है, सिर्फ हम दोनों, मैं और दिव्यांका, और हमारे साथ
ये आग। पूजा हमने कर ली है, अब हम जाएंगे अंदर। तो जी ये था हमारा लोहड़ी धमाका, जो कि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि शिमला में लोहड़ी कैसे मनाई जाती है। यहाँ पर कोई भी पंजाबी फैमिली नहीं है, लोहड़ी नहीं मनाते हैं। और मैंने यहाँ पर पूजा कर ली है लोहड़ी की, है ना। अभी मैं बात कर लेती हूँ, परेशान करती है और फिर डांट खा लेती है। तो मैं हाँ यही बताना चाहती थी कि यहाँ पर लोहड़ी नहीं मनाएगा कोई, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई पंजाबी फैमिली नहीं है। ऊपर एक फैमिली है लेकिन वो ऊपर है, इसलिए वो अपने तरीके से मना रहे हैं और मैं अपने तरीके से मना रही हूँ। यहाँ पर ये लोहड़ी की आ गई, इसको अंदर ले जाएंगे नहीं, यहीं पर रख देंगे और मैं जाऊँगी अंदर, साग को तड़का लगाऊंगी और हम खाएंगे खाना, उसके बाद हम सो जाएंगे। और अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अब नेक्स्ट पार्ट, मतलब लोहड़ी के बाद वाला जो पार्ट है वो दूसरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि हमारे अपने हमारी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हमें जो भी आस और उम्मीद है सिर्फ आपसे है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, आपको फिर से हैप्पी लोहड़ी, जहाँ भी हैं खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।